कुछ ही दिनों में ये बात मुझे अच्छी लगी थी उसकी, वो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्डली सब बोल देता है, भले वो सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, एकदम स्ट्रेट. सो आई लाइक पीपल हु आर स्ट्रेट एंड वेरी मूवफट. मेमोरी अच्छी, मतलब कोंकण पूरा ही इतना सुंदर है. कंवर के साथ तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. बट येस, OTT के एक दो प्रोजेक्ट्स की मीटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ मराठी प्ले. करना ही करना है. सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए. आई एम राधिका हर्षे विद्यासागर. मुंजा जो रिलीज हुई है अभी, इसमें मेरा छोटा सा किरदार है. एंड मुंजा बहुत, मतलब धमाकेदार उसका ओपनिंग हुआ है एंड अच्छी चल रही है. सो आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आदित्य सरपोदार हु इज़ द डायरेक्टर, ही रेकमेंडेड माई नेम एंड दैट्स वाई आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म. बहुत मज़ा आया. सब को एक्टर्स सब जाने पहचाने ही थे तो वैसा कुछ था नहीं. एंड जो पहचान के नहीं थे वो भी बहुत ही प्यारे. और हमारी बहुत अच्छी टीम बन गई. ट्रैवल भी एक साथ किया और वहाँ भी एक साथ, मतलब गुहागर में थे. बहुत ही सुंदर कोंकण के एटमॉस्फेयर था. तो या शूटिंग वॉज फन. मेमोरी अच्छी, मतलब कोंकण पूरा ही इतना सुंदर है. इतना नेचर, मतलब भर भर के दिया है नेचर ने वहाँ पे, कि इतना. हम लोग शूट के बाद दो तीन टाइम ना रात को 12-1 बजे गहरे समुंदर में गए थे जिस दिन पूर्णिमा थी. और क्या पानी की आवाज़, एंड यू नो दैट दीज मेमोरीज आर फॉर लाइफ टाइम. और वहाँ का खाना, कोंकण का खाना तो फेमस है ही. और फॉर अस महाराष्ट्रियंस, वी लव द मोदक्स एंड ऑल द, यू नो, कटहल की सब्ज़ी हमारी और जो भी होता है वहाँ पे, वी आर फॉन्ड ऑफ ऑल दैट. सो ये सब होता है. एंड आउटडोर पे गुहागर इतना सुंदर है कि कहीं भी कैमरा लगाओ वो अच्छी सुंदर ही दिखती है फ्रेम, एज एवरी वन नोज अबाउट इट. सो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, जाने का आने का ट्रैवल. बेसिकली आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं, आदित्य एंड आई थिंक भाग्यश्री, हम लोग गए थे समंदर पे रात को. एंड वो बस शांति से हम लोग घूम रहे थे और समंदर के पानी में गए थे. But that these are really fond memories. Thank you. People are liking the role and I'm sure I'm doing it. मतलब मैं अच्छा ही कर रही हूँ. और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत मज़ा कर रही है रेणु का, दैट इज़ माई कैरेक्टर. और बहुत अच्छा लग रहा है, TRP भी बढ़ रहा है. सो थैंक यू ऑडियंस. कंवर के साथ तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है. एक तो ऑन स्क्रीन हम लोगों का अच्छा नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक दैट. वो मुझे पसंद नहीं है. वो मेरा बेटा है पर वो मुझे पसंद नहीं है. बट ऑफ स्क्रीन तो येस, वी धमाल मस्ती करते रहते हैं, खाना खाते हैं एक साथ, टाइम पास करते हैं और क्या, और काम करते हैं बहुत सारा. अच्छी बातें ये है कि वो बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है सबके साथ. ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके काम करता है. वेरी ऑनेस्ट, वेरी हार्ड वर्किंग. बुरी बातें तो नहीं, बुरी बातें मैं नहीं कहूँगी किसी की. बुरी बातें तो क्या कहना है, अच्छी बातें पर ही प्रकाश डालना चाहिए हमेशा. ऐसे प्रैंक तो नहीं करता है वो, मेरे साथ तो नहीं किया है. बट ये सीधे मुंह बोल देता है वो जो भी है. ऑनेस्टली आई लाइक दैट. पहले कुछ ही दिनों में ये बात मुझे अच्छी लगी थी उसकी, वो जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्डली सब बोल देता है, भले वो सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, एकदम स्ट्रेट. सो आई लाइक पीपल हु आर स्ट्रेट एंड वेरी मूवफट. तो अच्छा है, सामने सामने बता देता है, तो ये बात तो अच्छी है ना. बुरी थोड़ी ना हुई है उसकी बात ये. और बुरी बात, मतलब एक बात है कि आई विल टेल कंवर दैट प्लीज़ मिक्स विथ अस, खाना खा लो हमारे साथ कभी कभी एंड हमारे साथ बैठ के गप्पे मारो, वो भी अच्छा होता है सेट पे. अभी तो इतना उड़ने की आशा में, मतलब मशरूफ हूँ कि आगे के प्रोजेक्ट्स पता नहीं कब करूँगी. बट येस, OTT के एक दो प्रोजेक्ट्स की मीटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ मराठी प्ले. करना ही करना है. थैंक यू सो मच फैंस, थैंक यू सो मच ऑडियंस. ऐसे ही हमारा शो देखते रहो, हमारा TRP बढ़ाओ. और आपका प्यार है इसीलिए हम हैं, आप हो इसलिए हम हैं. थैंक यू सो मच.